मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत मामला अभी शांत नहीं हुआ है। एक और इस मामले में जांच हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार की मौत संदिग्ध बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं ईद से पहले शुक्रवार देर रात सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार की हमदर्दी में एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव की तरफ से लगवाई गई होर्डिंग में लिखा है कि मुसलमान भाइयों इस बार ईद न मनाएं, बल्कि उसकी जगह पर मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। हालांकि इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासन को हुई, उसने तत्काल संज्ञान लेते हुए उस होर्डिंग को हटवा दिया। बता दें कि सभा कार्यालय के बाहर मुख्तार के समर्थन में लगी होर्डिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सपा की तरफ से मुख्तार अंसारी की मौत पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि सपा के जिस नेता के द्वारा ये होर्डिंग लगवाई गई है, वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव हैं। वहीं इससे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कई बार होर्डिंग लग चुकी है, जिसमें होर्डिंग के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव को देश का होने वाला भावी प्रधानमंत्री तक बताया जा चुका है। वहीं बीते 30 जनवरी को सपा से किनारा करने पर नीतीश कुमार और ओपी राजभर पलटू राम बताते हुए होर्डिंग भी लगाई जा चुकी है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की बीते दिनों पहले बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुख्तार की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। मुख्तार पर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में उसे सजा भी सुनाई गई। उसके खिलाफ साधारण अपराध के मुकदमे नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे किसी अपराधी की मौत पर जनता की प्रतिक्रिया राहत, तिरस्कार या फिर उदासीनता वाली होती है, लेकिन मुख्तार की मौत ने आक्रामक और साथ ही भावुक प्रतिक्रिया पैदा की है। उसकी मौत पर दुख जताने और सवाल उठाने वालों में कई मुस्लिम पत्रकार और नेता भी शामिल हैं। वहीं लगातार सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने मुख्तार की मौत की जांच के लिए दो टीमें भी गठित की, जो मुख्तार की मौत की असल वजह पता लगाएंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।